अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हादिस सेहत में वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मर्दाना मसले पर बात करूँगा वो है आतिशी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आतिशी एक खतरनाक मर्ज है। आजकल ज़्यादातर मर्द इस मर्ज में मुब्तला है। आतिशी एक जानलेवा बीमारी है। आतिशी एक नहायत बुरा मर्ज है जो कि मरीज को छूत लगने या मरूसी तौर पर वालदेन से हासिल होता है। आतिशी का मर्ज खुर्दबीनी कीड़े के बाइस फैलता है। आतिशी एक मुतद्दी मर्ज है। तिब ने इस मर्ज की अलामत को तीन दर्जात पर तकसीम किया गया है। पहला दर्जा आमतौर पर मर्दों पर उज़्वे तनासब, जबकि खवातीन में इंदाम नहानी में एक सुर्ख रंग का उभार या दाना सा नमदार हो जाता है जो कुछ अरसे बाद आहिस्ता सा सख्त होकर फट जाता है और जगह पर जख्म बन जाता है जिसमें दर्द नहीं होता और थोड़ा बहुत मवाद निकलता रहता है। इस मवाद के लगने से मजीद जख्म पैदा हो जाते हैं। 6-7 रोज बाद कंजरान के वदूद में वर्म आ जाता है। मरीज की आंखों में सोजिश आ जाती है। दूसरे दर्जे की अलामत तकरीबन 1.5 माह के बाद जाहिर होती है। मरीज बेचैन, पस्त हिम्मत और कमजोर हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। मरीज बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसके सर में दर्द रहने लगता है। हाजमा खराब हो जाता है। खाना निकलने में मुश्किल पेश आती है। मरीज के लवातैन मुतवर्म हो जाते हैं। जिस्मना पर इसकी आवाज़ बैठ जाती है। जिसम पर गुलाबी रंग के दाने निकल आते हैं। ये दाने बिलमूम पेशानी सीना और हाथों पर निकलते हैं जो कुछ अरसा बाद मुरझा जाते हैं या जिल्द की सतह से साफ हो जाते हैं। इन दानों के साथ ही लबों, रुखसार और जुबान के अंदरूनी जानब सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं जो कि बाद में आतिशी जख्म बन जाते हैं। आंखों में सोजिश शिद्दत अख्तियार कर जाती है। भावों, पलकों और सर के बाल गिर जाते हैं। मरीज की तली बढ़ जाती है। यह दर्जा तकरीबन 2 साल तक बाकी रहता है। तीसरे दर्जे के आगाज़ का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, ताहम यह दर्जा बीमारी के आगाज से 2 से 25 साल तक के अरसे में हो सकता है। यह वो मरहला है जिसने जिस जगह भी ज़ाहिर होना है वो जगह गल कर ख़त्म हो जाएगी। बीमारी के इस मरहले की खास बात, छोटे छोटे गोले होते हैं जो हजम में संतरे के बराबर हो सकते हैं। ये गोले जिस जगह भी निकल आते हैं वो जगह गल कर ख़त्म हो जाती है। ये गोले जिस्म के किसी हिस्से में भी निकल सकते हैं, ताहम नाक, तालू, छाती, कंधे की हड्डी, बाजू, टांगे इसके मकबूल शिकार हैं। ये गोले हड्डियों, मेदों, आंतों, जिगर और तिली पर भी निकल सकते हैं। आतिशी की मुख्तलिफ वजूहात हैं। यह मर्ज हैज वाली औरतों से जमा करना या बाजारी औरतों से जमा करने से भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास हर तरह के मरीज घेरे हुए अयाश लोग आते हैं और दूसरों में आतिशी के जरासीम छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, अब आपको आतिशी के अलामात के बारे में बताएंगे। आतिशी का जख्म दबाने से सख्त महसूस होता है। अगर इसको दबा कर देखा जाए तो इसमें सफ़ेद पानी निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी बदन पर लगने से फिंसियाँ और जख्म या सुख दाने नमदार हो जाते हैं और तमाम मदन पर फैल जाते हैं। आतिशी के जरासीम रिंग की शक्ल के होते हैं और बहुत ढीप भी होते हैं, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं और जब मरते भी नहीं है। यह मर्ज ज़्यादातर ज़ाहरी तौर पर गायब रहता है लेकिन अंदर ही अंदर घिन की तरह चाट जाता है। आतिशी के मर्ज में ज़्यादातर बुखार कराना, भूख का ना लगना, टांगों में दर्द रहना, अंदरूनी अज़ाब में जख्म बन जाना और ये जख्म भी कई हो सकते हैं। कभी पूरे जिस्म पर गोल गोल गुलाबी धब्बे भी बन जाते हैं। ये आमतौर पर चेहरे, सर और आंखों पर होते हैं। ये निशान अक्सर चंबल की तरह के होते हैं। इनका रंग तांबे जैसा ही होता है और कुछ अरसे के बाद इन पर छिलके उतरना लगते हैं। बाज़ात इन दानों पर सुर्ख मिर्चियाँ बन जाती हैं। औरतों के ये मर्ज इंदामी नहानी और मर्दों को ये मर्ज इनकी फोतों पर या मकद के गिर्द दाग बन जाते हैं। इस बीमारी के बढ़ने से मर्दों का उज़्वे खास गल जाता है। औरतों की इंदामी नहानी और रहम में गलने का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन अब आपको आतिशी के मर्ज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हादी दुआना का हादी नेचुरल आतिशी ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से आतिशी के मर्ज का जड़ से खात्मा हो जाएगा। हादी नेचुरल आतिशी ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पर कीमियाई अज़ा से पाक है। हादी दुहाना पर आतिशी के मर्ज का कामयाब इलाज किया जाता है। हादी दुहाना की खास बात यह है कि मरीज के मर्ज की मुकम्मल तशीस करके इसके बाद इलाज किया जाता है। हादी दुहाना पर ऐसी मुजरब अक्सर अद्वियात तैयार की जाती है जो सीरट से मुकम्मल पाक है और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हादी दुहाना से एक बार इलाज करवाने के बाद मर्ज दोबारा कभी भी लाक नहीं होता। आज ही हादी दुहाना तशीफ लाए और आतिशी के मर्ज से छुटकारा हासिल करें। आतिशी के मर्ज का इलाज करवाने के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।